सवाल नंबर एक, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी सरयू नदी, सी महानदी या डी यमुना नदी। दोस्तों हर सवाल का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। अगर आप जानते होंगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरयू नदी। सवाल नंबर दो, अमेरिका कब आज़ाद हुआ? ऑप्शन है ए 1776 में, बी 1778 में या सी 1777 में या डी 1780 में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1776 में। सवाल नंबर तीन, किस राज्य को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? ऑप्शन है ए जयपुर को, बी पंजाब को, सी मणिपुर को या डी उत्तर प्रदेश को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर को। सवाल नंबर चार, नवाबों का शहर किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन है ए असम को, बी लखनऊ को, सी केरल को या डी कर्नाटक को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ को। सवाल नंबर पाँच, भारत का सबसे पुराना शहर कौन है? ऑप्शन है ए मुंबई, बी जयपुर, सी वाराणसी या डी कोलकाता। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। सवाल नंबर छः, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन है ए हीराकुंड बांध, बी टिहरी बांध या सी चमेरा बांध या डी सुपा बांध। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टिहरी बांध। सवाल नंबर सात, कोटा किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन है ए यमुना नदी, बी चंबल नदी, सी गंगा नदी या डी महानदी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी। सवाल नंबर आठ, दुनिया में सबसे ज़्यादा त्यौहार किस देश में मनाए जाते हैं? ऑप्शन है ए जापान में, बी कनाडा में, सी भारत में या डी सूडान में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत में। सवाल नंबर नौ, किस जानवर का पसीना गुलाबी रंग का होता है? ऑप्शन है ए कंगारू, बी दरियाई घोड़ा, सी भैंस या डी गाय। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दरियाई घोड़ा। सवाल नंबर 10, किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं? ऑप्शन है ए जापान में, बी चीन में, सी अमेरिका में या डी रूस में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन में। दोस्तों वहां पर कुवेसा में 5 सूर्य दिखाई देते हैं। ये सवाल आपके लिए है, राष्ट्रपति का वेतन कितना है? ऑप्शन है ए 5 लाख महीना, बी 3 लाख महीना, सी 1 लाख महीना या डी 2 लाख महीना। दोस्तों अगर आप इस सवाल का जवाब जानते होंगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।